49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. माफ कीजिएगा, जज्बाती हो गया था। तो दिस 47 नहीं, पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जज्बात से आपको क्या याद आता है? बचपन से मेरे लिए जज्बात का एक ही मतलब रहा, और उस मतलब के पीछे एक इंसान। जी हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मेरे जिंदगी में बहुत चीजों के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि बचपन में मैं जब भी हाथ में रिमोट लेकर शक्तिमान देखने बैठता था, मेरे हाथ से रिमोट छीनकर पूरा परिवार क्रिकेट देखता था। मैं रोते रोते बाजू वाले रूम में जाकर सो जाता। आज जाकर पता चला कि खेल तो यूं ही बदनाम था, जिम्मेदार बस एक इंसान। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि कई धर्म हैं। उन कई धर्मों में एक धर्म ऐसा है जिसको सब लोग मानते हैं। दरअसल धर्म नहीं, खेल है। उस खेल को धर्म बनाने वाला एक इंसान जिम्मेदार। टेस्ट मैचेस के दौरान स्कूल नहीं जाऊं, होती थी पापा से लड़ाई। अरे सचिन इज बैटिंग एट 99, होगी नहीं मेरे से पढ़ाई। कद में मैं हमेशा से छोटा था, प्रेयर लाइन में सबसे आगे लगता। कद में क्या रखा है? आपने सिखाया। खिलाड़ी खेल से है और मैं खेलेगा। एक बार मेरी एक्सीडेंट हुई थी, बहुत दर्द होता था। मैं लेट कर बस यही सोचता था कि सचिन के जिंदगी में जैसे चीजें हुई है वो कैसे डील किया हूं। चोट उनके पूरे शरीर में है, पर आज तक अपना हर एक रन खुद दौड़ कर। अब मैं बोलने लगूंगा तो ये वीडियो खत्म नहीं, क्योंकि द मेमोरीज दैट यू हैव लेफ्ट विथ मी विल ऑलवेज स्टे विथ मी फॉर एवर। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड दैट मोर देन ए क्रिकेटर, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बींग एंड यू आर एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर आई हैव लर्न दैट मोर देन वर्ड्स एक्शंस मैटर। एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक जब इतना कुछ हो रहा है, आपके लिए एक कैंडल तो जला ही सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सचिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस।